जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, झारखंड में एक नई योजना की शुभारंभ हो रही है जिसका नाम है मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को एक सम्मान राशि दिया जाएगा उनकी आर्थिक सहायता के लिए, ताकि अभी के फिनांशियल कंडीशन के हिसाब से उनको एक समान राशि दिया जाएगा। जैसे पीएम किसान का पैसा आता है, जैसे महिलाओं को पेंशन मिलता है, तो उसी तरह से एक समान राशि दिया जाएगा जो कि 21 साल से लेके 50 साल के अंदर के महिलाओं को ही यह समान राशि दिया जाएगा। तो आखिर मैया सम्मान योजना क्या है और इसको कैसे हम लोगों का लाभ मिलेगा, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में अभी एक दो दिन हो रहा है तो झारखंड में साहबगंज में अपने मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुभारंभ की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि 40 लाख झारखंड की महिलाओं को यह सम्मान राशि दिया जाएगा, जिसके लिए 88.94 करोड़ रुपये की यह राशि जो है सो बजट रखी गई है। तो इस यो जो मैया सम्मान राशि योजना है, इसका शुभारंभ अब कर ही दिया गया है। तो यह योजना का लाभ हर महिलाओं को मिलेगा, झारखंड भर के सारे महिलाओं को मिलेगा। और ये मिलेगा कैसे कि अपने झारखंड भर में जहाँ जहाँ भी ग्राम पंचायत हैं, तो सारे ग्राम पंचायतों में एक कैंप लगाया जाएगा। जैसे कि सरकार आपके द्वार के द्वारा सारे ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए गए थे, तो उसी प्रकार से कैंप लगाया जाएगा और वहाँ पे फॉर्म जो है इसका भरा जाएगा। और फॉर्म भरने के बाद महिलाओं को खाते में यह मैया सम्मान राशि योजना के तहत उनके खाते में पैसा आएगा। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो कि आपको पहले ही से रेडी कर लेना है। इसमें बताया गया है कि उम्र जो है 21 साल से लेके 50 साल के अंदर की महिलाओं को यह मैया सम्मान राशि योजना का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए आपका बैंक खाते में एक सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसके साथ आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और KYC किया हुआ होना चाहिए। यदि आपका ऐसा नहीं रहा और सिंगल खाता भी रहेगा, तो दिसंबर तक इस यह समान राशि आपको मिलेगा और दिसंबर में फिर रुक जाएगा। जब आप खाता में फिर KYC करवाएंगे, तभी इस राशि का फिर आपको मैया सम्मान योजना का जो है सो लाभ मिल पाएगा। लेकिन यदि आप पहले से KYC करवा के रखेंगे, आपका खाता अपडेट रहेगा, तो आपको लगातार रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा कि आपका पहचान के रूप में आपका आधार कार्ड या तो वोटर आईडी कार्ड, ये सब आपका पहचान के रूप में लगेगा। वोटर आईडी कार्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपका आधार कार्ड से भी काम चल जाएगा और एक दो फोटो आपका लग सकता है। तो बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंडीशन भी है दोस्तों, कि उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जो परिवार के पास राशन कार्ड होगा, जिनका गुलाबी कार्ड होगा, पीला कार्ड होगा, सादा कार्ड होगा। तो किसी भी प्रकार का जो राशन कार्ड आपके पास होगा, तो वही परिवार का ये फायदा मिल पाएगा। तो उनके घर में यदि जो भी महिलाएं होंगी या तो जो भी बेटियां होंगी जिनका उम्र 21 और 50 के अंदर है, तो उनको ये लाभ जो है सो बिल्कुल ही बहुत अच्छे से मिल पाएगा। तो ये जो हम लोगों को ग्राम पंचायत में जो कैंप लगाए जाएंगे, तो अपने प्रखंड कार्यालय के द्वारा ही ये कैंप जो है सो लगाए जाएंगे हर ग्राम पंचायत में और फिर हम लोगों को लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों, यही खबर हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। इसमें जैसे अपडेट आएगा कि किस डेट से ये जो है सो कैंप लगने वाला है, तो हम आपके लिए जानकारी लेकर आ जाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम होने वाली जानकारी को हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं और इससे रिलेटेड जब हम वीडियो लेकर आएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।
तो फिर से आपको मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।